लिसन, एक बारी मैं कविता फिर रिपीट कर दिया, ठीक है? क्योंकि वॉइस बेटे ऑडिबल नहीं सी। समा कविता भाई वीर सिंह की लिखी हुई है। भाई वीर सिंह पंजाबी साहित्य के पितामह हुए ने, आधुनिक कविता के मोढ़ी हुए ने। उन्हों का जन्म होया 1872 ईस्वी, 5 दिसंबर। पिता का नाम चरण सिंह, माता का नाम उत्तम कौर, ठीक है? बहुत सारिया काव्य संग्रह रचे है उन्होंने। मेरे साइया जीओ, जिदे ते उन्होंने पुरस्कार भी मिलिया। उन्होंने भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि दी है। इस तो इलावा उन्होंने काव्य संग्रह ने लहरां दी हार, मटकुल हरारे, बिजलियां दे हार, ठीक है? और नावल ने सतवंत कौर, बाबा नोत सिंह, और वार्तक ने अष्टगुरु चमत्कार, नानक चमत्कार, ठीक है? और महाकाव्य है राणा सूरत सिंह। गल करिए समा कविता दी। समा कविता ते भाई वीर सिंह ने समय की महानता दसी। समा चलायमान है, निरंतर गतिशील है, बीतिया समा हथ नहीं आता। इस कविता विच कवि ने एक स्त्री के रूप में समय को संबोधित किया है। तरले मिनता करने चाहे है समय अगे, पर समय ने तरले मिनता नहीं सुनिया। समा अपनी गति अगे अगे वधदा चला गया। समय को रोकने का हर तरह नाल हीला वसीला किया गया, पर हर रुकावट को चीरता होया अगे निकल गया। उन्हें अपना पल्ला खिसका लिया, सारे हद्दा बन्ने टप के वो अगे निकल गया। क्यों? क्योंकि उसका सुभाव है चलायमान। और बीतिया समा कदी भी हथ नहीं आता। इस करके कवि ने लास्ट लाइना विच समय की संभाल करन दा संदेश दिता है कि जड़ा वर्तमान समा मनुख दे हाथ विच है, उसकी संभाल करनी चाहिए है। उसकी सही वरतों करके उस अपने जीवन नू सफल बनाना चाहिए, क्योंकि समय नू ठहरन दा वल नहीं आना, रुकन दी जाच नहीं आना। क्लियर है? यदि अकॉर्डिंग अपा क्वेश्चन कर रहे सी, समा कविता भाई वीर सिंह की लिखी हुई है। रही वास्ते घत तुक विच, वास्ते शब्द का की अर्थ है? तरले बन्ने बन्नी कौन टप रहा है? समा मनुख टप रहा है, बोलो घड़ी टप रही है, कुदरत टप रही है कि समा? समय नु कौन नहीं रोक सकता? मनुख नहीं रोक सकता। समय का प्रवाह क्यों जा है? गतिशील, अपनी गति नाल चलता, तेज गति नाल। प्रवाह की है? तेज गति वाला। समय का सुभाव क्यों जा दस्या? सेम, निरंतर गतिशील, चलायमान। समय कविता तो की प्रेरणा मिलती? वन वर्ड आंसर, सदुपयोग। समय का सदुपयोग, समय दी चंगी वरतों। क्लियर है बेटे? हुन लिखो बेटे अनडिठा पैरा, अनडिठा पैरा लिखो। आप कल दी क्लास फिर करांगे। विरोधी शब्द शुद्ध करो। छोटा जा पैरा लिखवानी हाँ। तवारीख दसती है, तवारीख पैरा ध्यान नाल सुन लो। ओदे अकॉर्डिंग तवारीख दसती है। तवारीख का मतलब की हुंदा? कोई दस सकदा? इतिहास, ठीक है? तवारीख दसती है कि पहलों एक टब्बर विच इतफाक ही नहीं सी हुंदा। पहलों एक टब्बर विच, एक टब्बर विच भी इतफाक नहीं सी हुंदा। तकड़ा माड़िया नूं दबाई रखदा। इतिहास दसदा है तकड़ा जदों मुगल हाकम सन, नादर शाह वर्गे, अब्दाली वर्गे, गजनवी वर्गे। तवारीख दसती है कि पहलों एक टब्बर विच भी इतफाक नहीं सी हुंदा। इतफाक दा की मतलब है? उर्दू फारसी दा शब्द है। इतफाक प्यार, भाईचारा, सांझ। तकड़ा माड़िया नूं दबाई रखदा जां मार छड़दा। ये उदों दी गल है, एक अंग्रेजा का समा जां उस तो पहला मुगल हाकमा का समा, बाबर का समा, ठीक है, औरंगजेब का समा। पुत दा लगन ते प्यो नू कतल करके, पुत दा लगन ते, दा मीन्स मौका देख के, प्यो नू कतल करके सारियां स्त्रियां नू अपनियां बना लैंदा। पुत दा ला के प्यो दा कतल करके सारियां स्त्रियां नू अपना बना लैंदा। हौली हौली, हौली हौली टब्बरां विच समझौता हो गया।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਕੀ ਬਣੀ? ਕੀ ਬਣੀ ਨਜ਼ਾਕਤ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਕੀ ਬਣੀ ਕਿ ਤਕੜਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਟੱਬਰ ਰਲ ਕੇ ਕਬੀਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਬੀਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣਾ ਦਸਤੂਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਫਿਰ ਕਬੀਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਰਤਕ ਪੈਰਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋ ਰਿਲੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੱਬਰ ਰਲ ਕੇ ਕਬੀਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਡੰਗਰ ਕੌਮਾਂ ਡੰਗਰ ਖੋ ਕੇ, ਡੰਗਰ ਮੀਨਸ ਪਸ਼ੂ, ਡੰਗਰ ਖੋ ਕੇ ਚੁਰਾ ਕੇ, ਖੋ ਕੇ ਮੀਨਸ ਖੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛਿਨ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੋ ਕੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਰਲ ਕੇ ਕਬੀਲੇ ਬਣਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਜਾਂਦੀ, ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਡੰਗਰ ਖੋ ਕੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਡੰਗਰ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਚੁਰਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਬੀਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਬੀਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ। ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੱਦਾਂ ਮੀਨਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ। ਪਰਸਪਰ ਝਗੜੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਉਖਿਆਈ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਝਗੜੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ, ਨਜਿੱਠਣ ਮੀਨਸ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ, ਪਰਸਪਰ ਆਪਸੀ ਪਰਸਪਰ ਝਗੜੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਉਖਿਆਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸਪਰ ਝਗੜੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਰਾਹ ਥਾਪ ਲਿਆ। ਸਰ ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਸਰਬਰਾਹ ਥਾਪ ਲਿਆ ਮੀਨਸ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਪ ਲਈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਬਰਾਹ ਥਾਪ ਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ, ਸਰ ਮੀਨਸ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ
छोटियां छोटियां सुतंत्र बस्तियां बन गईयां, छोटियां छोटियां सुतंत्र बस्तियां बन गईयां, ओ बस्तियां ओड़क, ओड़क मीन्स आखिर, ओ बस्तियां ओड़क सूबे बना के, सूबा होंदा एक राज एक प्रांत, सूबे बना के ते एक पासे सूबे होंदा योजना, ओ बस्तियां ओड़क सूबे बना के एक वड्डे मुल्क वेच, एक वड्डे मुल्क वेच संयुक्त हो गई, एक वड्डे मुल्क दे विच संयुक्त हो गया, इकट्ठियां हो गई। ओड़क लास्ट लाइन ओड़क, ओ बस्तियां जड़ियां छोटियां छोटियां बस्तियां बनिया, ओ बस्तियां सूबे बना के एक वड्डे मुल्क, क्योंकि राजा तो ही एक मुल्क बनता है, एक देश बनता है, फिर एक मुल्क देश नूं ही मुल्क कहिंदे ने, मुल्क विच संयुक्त हो गई। क्वेश्चन सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन, कौम दा संकल्प किवें होंद विच आया, कौम दा संकल्प किवें होंद विच आया, कौम दा संकल्प किवें होंद विच आया, टब्बरां दे रलन नाल फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन देशां दे रलन नाल, थर्ड ऑप्शन कौमां दे रलन नाल, लास्ट ऑप्शन टब्बरां ते कबीलियां दे रलन नाल, क्योंकि टब्बर तो बाद कबीले बने, कबीलियां तो फिर कौमां बनियां, टब्बरां ते कबीलियां दे रलन नाल की बनिया, क्वेश्चन की है, कौम दा संकल्प होंद विच आया, कहिंदा कौम किवें बनी, टब्बरां तो कबीले, कबीलियां तो एक कौम। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज पुरातन समय विच, पुरातन समय विच परिवारां दा संगठन क्यों जिहा सी, पुरातन समय विच परिवारां दा संगठन क्यों जिहा सी, प्यार वाला, डराउण वाला, लड़ाई झगड़े वाला, लुट्टा खोहा वाला, लड़ाई झगड़े, करेक्ट आंसर इज लड़ाई झगड़े वाला, पुरातन समय विच परिवारां दा संगठन क्यों जा सी, लड़ाई झगड़े, वड्डे वड्डे देश किस तरह बने, सूबियां दे मिलाप नाल, कबीलियां दे मिलाप नाल, मिलाप मिसलां दे मिलाप नाल, कौमां दे मिलाप नाल, सूबियां दे मिलाप नाल, मैं लास्ट लाइन बोली है, सूबे बने हैं, सूबियां दा संयुक्त होना ही मुलक है, सूबियां दे मिलाप नाल, कौमां दे मिलाप नाल नहीं, कौमां बनिया पहला, कौमां कित्थों बनिया, कबीलियां तो ते टब्बरां तो, फिर कौमां बन के की बने, सूबे, सूबियां तो की बनिया मुलक। नेक्स्ट, पैरे दा ढुकवां सिरलेख, पैरे दा ढुकवां सिरलेख कबीलियां दी होंद, देशां दी होंद, कबीलियां दी लड़ाई, सूबियां दी होंद, देशां दी होंद, वेरी गुड, देशां दी होंद किवें होई है, पैरे दा ढुकवां सिरलेख कबीलियां दी होंद, देशां दी होंद, कौमां दी होंद, टब्बरां दी होंद। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कबीले किवें बने, कबीले किवें बने, सूबियां दे रलन नाल, टब्बरां दे रलन नाल, देशां दे रलन नाल, कौमां दे रलन नाल, पैरा समझ आया, टब्बरां दे रलन नाल की बने, कबीले, थैंक यू सो मच बेटे।